नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कैड कैम डिज़ाइन। आप लोग ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ऐसा एक क्लैम्प है जिसमें देखिए कुछ बेंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे पंच पड़ा हुआ है। तो आज के दिन में आप लोगों को ये कवर कराने जा रहा हूँ कि ये पंच वगैरह कैसे लगाया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्रियो ओपन किया, ये शीट मेटल का पार्ट है, ये शीट मेटल का पार्ट है। तो पहले इसका एक मैं स्केच बना लेता हूँ, इसका एक मैं पार्ट ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ इस तरीके के पंचेस वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नाम दे दिया, MMNS में कर दिया। डायमेंशंस इसमें नहीं दी हुई है तो मैं अपने हिसाब से डायमेंशंस ले रहा हूँ। मैंने इसको लिया है 10x10 का, ये क्लैम्प है, ये 10 है और ये 10 है, 10x10 मैंने बना दिया। और इसकी थिकनेस मैं ले लेता हूँ 0.2 mm। ये इसका बेस बन गया। अब इसमें एक नीचे की तरफ बेंड है और दो ऊपर की तरफ बेंड है, तो पहले मैं ये वाला बेंड्स बना लेता हूँ। शीट मेटल को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंडस्ट्री में यूज़ भी यही आता है। मैंने 6.5 इसकी हाइट ले ली और 60 इसका डिग्री ले लिया, राइट। और बेंड डिटेक्शन में ले लेता हूँ, अभी ये लेके चल रहा है थिकनेस, तो मैं इसका बेंड डिटेक्शन लेके चलता हूँ 1 mm। और सेम इसका मिरर ले लेता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब एक बेंड दिया हुआ है बॉटम साइड में, ये नीचे की तरफ, तो एक नीचे की तरफ बना लेते हैं फ्लेंच 1 60। और इसका भी डायमेंशन कर देते हैं 6.5, राइट। तो आपका ये छोटा सा पार्ट बन गया। इसमें डबल होल्स दिए हुए हैं, होल्स बना लेते हैं फटाफट। दो होल्स हैं, एक बीच में होल है। मैं शीट मेटल की पार्ट मॉडलिंग में आज ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को फटाफट एक उसका बेसिक बताने जा रहा हूं कि पंच टूल का बेसिक्स क्या होता है और कैसे उसको यूज किया जाता है। ये एज्यूम्ड वैल्यूज हैं तो मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूं। इधर भी ले लेते हैं तो इसका मिरर कर लेते हैं। ये इसका मिरर बन गया। अब आप देख रहे होंगे इसमें कोई बेंड नहीं है, एक सर्कल में बेंड है, सर्कल में भी एक बेंड लगा देते हैं। सर्कल बना देता हूँ बीच में, एक्सट्रूड पार्ट से मान लेते हैं इसका 3 है, इसको लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनके सारे एजेस जो हैं वो सारे राउंड हैं, सारे राउंड हैं, तो एक तरफ से सेलेक्ट करते हैं। राउंड कहाँ से मिलेगा हमको, इंजीनियरिंग पे जाइए, राउंड पे जाइए, एक कॉर्नर, इसके सारे कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए। सब पे कंट्रोल प्रेस कर करके आप हर कॉर्नर्स पे आपको केवल क्लिक करना है और वो राउंड हो जाएगा। अब केवल मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है और वो सारी एक साथ ही बढ़ जाएगी। मैंने इसको ले लिया 2, ये बन गया।
एक पार्ट बन गया, इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। ये हो गया सेव। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये इस तरीके के हमें इसमें पंच लगाने हैं। ये देखिए, अब इसको लगाने का क्या तरीका होता है। अब सबसे पहले हमें एक पंच के लिए एक वो डाई बनानी पड़ेगी। अब डाई का भी तरीका क्या होता है बनाने का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने सॉलिड पार्ट लिया, उसको क्रिएट किया, MMNS यूनिट ले ली, एंगल 120 डिग्री है, तो अब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। एक्सट्रूड लेके, एक्सट्रूड लिया, और वो है 120 डिग्री पे। टोटल एंगल यहां से लेना है हमने, यहां से यहां 120 डिग्री, राइट। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन को आपस में कनेक्ट कर देना है, और इसकी डायमेंशन हम मान के चलते हैं 2.5, और यहां से भी इसको कर देते हैं 2.5। एंगल बीच में 120 डिग्री आ गया, ये हो गया। इसको हमने ले लिया सेंटर से, और इसको हमने ले लिया 0.5, राइट। अब इसका नीचे का बेस हम थोड़ा सा ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ड्राफ्ट पे गए, ड्राफ्ट टूल कैसे यूज किया जाता है, ड्राफ्ट पे आप गए, उसमें सबसे पहले आप रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। इसमें पहले सेलेक्ट ड्राफ्ट कौन से सरफेस को करना है, इस पे क्लिक करके इस पे कीजिए और इस पे कीजिए। एक आपका हो गया। दूसरा बोला कौन से हिंज से करना है, हमने इससे करना है और इस पे करना है। अब पुल डायरेक्शन कौन सा है, पुल डायरेक्शन हमारा ये है, ओके। अब हमने इसको कर दिया 12, तो ये आप देखिए बैक साइड से ये इसका शेप यूं हो गया। अब इसके ऊपर हम ऊपर की तरफ राउंड ले लेते हैं, राउंड पे गए। आप राउंड कमांड को आप एज से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट सरफेस से भी कर सकते हैं। तो इस बार मैं सरफेस से कर रहा हूँ, राउंड पे गया। इस सरफेस को और इस सरफेस को राउंड करना है, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ये हो गया राइट, ठीक। इसको अब हम कर देते हैं सेव, सेव कर देते हैं लूअर के नाम से, राइट। ये हमारा छोटा सा पार्ट बन गया। अब इस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये पार्ट बन गया, वो लूअर बन गया। अब आप देखिए ये फॉर्म यहां पे लिखा है, फॉर्म पे जाके पंच फॉर्म पे चले जाइए। पंच फॉर्म पे जाने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, ओपन अ पंच मॉडल। पंच मॉडल आपने कौन सा तैयार किया है, जो भी बनाया है वो ये वाला है, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ओपन किया, ये आ गया वाला पार्ट। अब हमें इसको कंस्ट्रेंट करना है या जहां पे लगाना है। अब ये वाले हम इमेज पे गए, इस इमेज पे देखिए यहां लगाना है और इन दोनों पे लगाना है, राइट। तो अब हम इसको ले जाते हैं पहले इस वाले स्ट्रक्चर पे। तो इसका सेंटर, इसका सेंटर आपस में कोइंसिडेंट कर देते हैं, कोइंसिडेंट हो गया। अब ये वाला सरफेस और बॉटम वाला सरफेस को कर देते हैं कोइंसिडेंट, और इस वाले सरफेस को इस पे कर देते हैं कोइंसिडेंट, राइट। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए इसका कोइंसिडेंट वाला सरफेस कौन सा होगा, आउटर वाला, राइट। यहां तक हो गया। अब हम इसकी प्लेन ऑफ कर देते हैं। अब एक बार हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं क्या बन रहा है। ये देखिए इस तरीके से प्रीव्यू में आ गया कि यहां पे इसका पंच लग गया है। अब इसके एजेस हमें शार्प करने हैं, इसके एजेस हमको शार्प करने हैं। तो आप यहां पे चले जाइए ऑप्शंस पे, यहां आ रहा है प्लेसमेंट एजेस, प्लेसमेंट कर दिया, और जो भी थिकनेस है वो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से ले लिया है। अब आप इसका प्रीव्यू चेक कीजिए, तो ये ले लिया। आप इसमें वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो देखिए एक इजली आपको एक पंच यहां पे पड़ गया। ये आप यहां पे एडिट पे जाके आप इसको मिरर कर लीजिए, इजी है, यहां पे लग गया। अब हमें एक लास्ट में लेना है यहां पे नॉच। तो हम दोबारा से जाएंगे पंच पे, फॉर्म,
पंच, दोबारा से वही पार्ट यहाँ पे नाम आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके निकाल सकते हैं। एंगल से घुमा लिया, राइट, ये वाला इस पे करना है, इसको कर दिया जीरो और इसको कर दिया इसके कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट हो गया, ये इसके एंगल पे हो गया और ये यहां पे सेट हो गया, डिलीट। अब दो चीज सेट हो गई, ये अपना इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, अब ये जो है हमारा वो इस पे आ जाएगा, राइट, और ये जो है इसको हम कर देंगे कोइंसिडेंट, अंदर की तरफ इनसाइड कर दिया। अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, ये पंच पड़ गया, आपको इसकी बस सेटिंग देखनी होगी, बस इनको एक फुली कंस्टेंट करना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसको यस कर दीजिए। आप इस पे जाके इसको राउंड भी दे सकते हैं, एडिट डेफिनेशन पे गए, इसको राउंड कहाँ देंगे, ऑप्शंस पे जाके प्लेसमेंट एजेस पे कर दिए, ये बाय डिफॉल्ट ले लिया है, इसको राइट कर दीजिए और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बन गया। बस आपको इसको जो इसकी यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं उस चीज़ का ध्यान देना होता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे रख के हमें फुल्ली कंस्टेंट करके आप इसको पंच मार्क कर सकते हैं। इसका मैं शेडिंग ऑफ कर देता हूं और इस तरीके से वाला पार्ट आपका डन हो गया। तो इस तरीके से ये पंच वगैरह लगाए जाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले एक पंच का जो डाई है, लूवर है, वो आपको फॉर्म करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए मैंने आपको दो तीन तरीके बता दिए हैं ड्राफ्ट का, उसकी वैसे प्रॉपर वैल्यूज होती है, मेरे पास वैल्यूज नहीं थी तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया के लिए अपने हिसाब से मैंने उसको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया है कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया है तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियोज में इस तरीके के ही आपको टॉपिक्स मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल पर्पज से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, टिल देन बाय, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।